जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे इंटरव्यू सीरीज की, पॉडकास्ट सीरीज की ये पहला इंटरव्यू है जिसमें मैंने अपने दोस्त को दावत दी है। सैयद रईस अब्बास है और मेडिकल के फोर्थ ईयर के स्टूडेंट है, लेकिन इनको दावत देने की एक जो खास वजह है वो ये है कि हम सारे स्टूडेंट्स मेडिकल के उनमें सिर्फ ये वाहिद हैं जिन्होंने शादी की है रिसेंटली। और रईस बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने शादी की। और फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया आपका कि आप आए, आपने हमारे इंटरव्यू में आना, हमें इनसे कहते हैं वो बख्शी, क्या कहते हैं बख्शी, हमें क्या खुशी हुई आपके आने से। ठीक है तो जी प्लीज शुक्रिया कुमार भाई, आपने मुझे दावत दी जी। बस क्या बोलूं मैं, शादी मेरी यहाँ से गया है छुट्टियां, कोरोना क्योंकि रिसेंटली आया इस वजह से एक मौका भी मिला मुझे 6 महीने का। अच्छा, तो पाकिस्तान जाने के बाद मैं ये समझता था कि क्योंकि मैं इंगेज था ऑलरेडी। अच्छा, सो कितना साल हो गए एंगेजमेंट ऑलरेडी? 3-4 साल हो गए मुझे। 4 साल एंगेजमेंट हो गए, 4 साल सही। तो क्या किस चीज में आपको कहा, फोर्स किया कि कैसे, किस क्या सोच थी आपकी कि आप वो इरादा करें और शादी का फैसला करें? क्या बोलूं कि सबसे पहले यही चीज है कि एक तो मुझे टाइम मिला और मेरी अपनी ख्वाहिश भी थी कि जितना जल्द हो सके इंसान जो है एक गुनाहों से बच जाता है। सही। एक जिस तरह कहते हैं परफेक्ट लाइफ है, तो इस तरह मैं इस अज़दवाजी जिंदगी में दाखिल हुआ। बहुत अच्छी बात है। तो किस तरह मैनेज करते हैं अपनी स्टडी को साथ अपनी पढ़ाई को? और एक और जो सबसे बड़ी बात है, आप शादी के बाद इधर आ गए हैं बाहर के मुल्क में, स्टडी को फॉलो अप करने, स्टडी करने मुश्किल नहीं है? है मुश्किल, क्यों नहीं है मुश्किल, मुश्किलात हैं लेकिन इंसान को हैंडल करना पड़ती है ये चीजें। ये सबसे पहले मुश्किलात मेरी जो सामने आई कि एक इंसान स्टडी के दौरान ही किसी भी फील्ड में हो उसके लिए मुश्किल है। जिस तरह हमारे यहाँ एक मुश्किलात बना दी गई है, इतना मुश्किल नहीं है, कहने शादी करना बहुत मुश्किल हो गया है, स्टडी कैसे करेंगे साथ ये मैनेज करना। मेरे ख्याल से इसको इंसान अगर अपने दिमाग में बिठा लेगा ना तो शादी नहीं कर सकेगा। और ना ही ये इंसान कोई आदमी कोई लड़का इस तरह अपनी लाइफ परफेक्ट नहीं कर सकेगा। सही। स्टडी में रुकावट तो नहीं आती? स्टडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, टाइम मैनेज करना पड़ता है आई थिंक सो। जिस तरह हम फजूल बातों में इस तरह बच्चों की तरह हरकतें जिस तरह होती है हमारी, लूडो खेल लीजिए, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, तो वो टाइम वेस्ट तो करते हैं हम लोग, इसीलिए थोड़ा सा टाइम अपने होने वाले जो जो हैं हमारे तो उनको देने तो कोई मसला नहीं है। तो जब एंगेजमेंट की थी आपने उस वक्त भाभी से मुलाकात थी पहले या? क्योंकि हमारे तो थोड़ा विलेजर्स हैं तो मुश्किलात होती हैं इस किस्म की के हम मुलाकात में से थे, कजन थे। हाँ जी, हाँ जी कजन थे। सही। लेकिन एक किस्म के हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, काफी अच्छी बात। हाँ। तो आपको लगता है कि इंसान जब क्या उसे कहते हैं शादी करे तो लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, पहले लव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से इस्लाम की नजर से देखें तो एक अलग बात है कि हम अगर वालिदैन एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा होता है वो देखते हैं, फैमिली है तो बेस्ट है मेरे ख्याल से, बाहर भी करें तो कोई वो नहीं है, शादी कर सकते हैं। लेकिन इंसान को ये पहले जो है ना लव थोड़ा एक किस्म का ये फजूल लव लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, फजूल कहाँ है, लव तो काफी खूबसूरत वर्ड है। जिस तरह फिल्मी लाइफ में हम देखते हैं ना ये चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे इंसान तो कुछ और ही होता है। सही। ड्रामों में फिल्मों में अक्सर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल, हमारे इंडो पार्क के अंदर ट्रेडिशनल एक शादी का रिवाज है जो सब पुराना चलता आ रहा है कि जो लड़का और लड़की होते हैं उनसे रजामंदी या उनकी तरफ तो उनको तवज्जो नहीं दी जाती कि इस का भी कोई जिसे कहते हैं इनसे भी पूछें या फिर इनसे कहें कि आप एक दूसरे को मिलकर बैठ कर समझ लें, ये होता ही नहीं है। खुदा का शुक्र है हमें इस तरह की वो थी अपॉर्चुनिटी मिली है। मैं जब यहाँ आने से पहले ही तेहरान में मुझसे वालदैन ने पूछा था कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हम आपकी मंगेतर को बिठाएंगे उनके
वरना नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा इसी की शायद करूंगा। यानी आप भी यही संधि को प्रमोट करते हैं कि होनी चाहिए एक दूसरे को, लड़का लड़की एक जगह बैठे एक दूसरे को आइडिया शेयर करें, होनी चाहिए बिल्कुल ऐसी है। तो आप जब फॉर एग्जांपल आप कब वापस आना पाकिस्तान, क्या इरादा है? दो साल बाद लेकिन अभी छुट्टियां, क्योंकि अगर जो ही मैं देख रहा हूँ छुट्टियां मिलेंगी इंशाल्लाह तो चला जाऊँ, एक चक्कर लगाऊँ फिर उसके बाद आखिर फाइनली। सही। अब एक और चीज जो उनसी है कि एक ट्रेडिशन चलती आ रही है कि जो खावंद है वो सिर्फ बाहर का काम करता है, उसने घर में आके कुछ भी नहीं, पानी भी उठ के नहीं पीना मिसाल के तौर पर। जो खातून है उसने सिर्फ घर का काम करना, बाहर उसने कोई चीज भी लेने नहीं जाना। महदूदियत जो आ गई है कि मर्द सिर्फ बाहर के लिए, औरत सिर्फ घर के लिए, क्या आप इस चीज के साथ हैं या आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मर्द भी आगे थोड़ा बहुत हाथ बटाए, बीवी भी थोड़ी जॉब करे, दोनों एक दूसरे को मिलके एक दूसरे की फील्ड्स में के अंदर आके टच करके और ओवरऑल सारा काम करें, आप इसको प्रमोट करते हैं? आपको लगता होना चाहिए। हां जी एग्री विद यू कि एक दूसरे के साथ जिस तरह निभाते हैं ना इंसान उसी तरह निभाए, कि हर काम में मर्द कर सकता है काम, कोई मुश्किल नहीं है, चाय बनाना भी अपनी बीवी के लिए बना सकते, सफाई अगर हाँ इस सिचुएशन में है आप बीवी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं, बुखार के भी हाँ, इंसान को ये सारी चीजें क्योंकि केयर करनी चाहिए। जब बीवी आपकी केयर कर रही है वो अपना घर छोड़ के आ रही है, सब कुछ छोड़ के आ रही है आपके पास, तो हमें भी एक किस्म की केयर करनी चाहिए। और ये इंसान के जो हमारा एक इस्लाम भी कहता है कि सिर्फ कमाना, ये कमाने के अलावा एक बात है कि औरत भी जाके बाहर काम कर सकती है, सही, मुश्किल नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। मैं सोचा कभी कि मिसेस को ईरान लें और सोचा हाँ जी स्टडी का सोचा है, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल आ रही क्योंकि वो पाकिस्तान में ऑलरेडी एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। सही। वो कभी कहती हैं कि कब आओगे वापस और ये इस तरह की चीजें? ये तो हाँ नहीं पूछते तो है ना, पूछना पड़ता ही है। सही। कि कब आएंगे, कितना अर्सा रह गया है, ये क्वेश्चन मोस्टली रहते हैं इंसान है, फिर उनको एक समझाना पड़ता है अपने तरीके तौर तो पे। सही हो गया। तो एक और जो इनसे चीज है शादी के बाद जो मुश्किल आती है कि मदर की जो इम्पोर्टेंस है उनका रुतबा है उसको भी साथ लेकर चलना पड़ता है, बीवी की भी जो केयरिंग सिस्टम है, केयरिंग जो उनका होता है, उनको केयर चाहिए, उनको टाइम चाहिए, तो वो किस तरह मैनेज करते हैं अपनी मदर में, अपनी मिसेज में, अपनी बहनों में, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सीखा था क्या किया है? सीखा कुछ नसीहतें हैं घर वालों से और कुछ खुद भी अभी एक्सपीरियंस हो गया कि अगर चलाना है सबको इकट्ठा चलाएं, क्योंकि घरों में अगर सेपरेट फैमिली है तो वो अलग है, लेकिन जॉइंट फैमिली में यही मोस्टली मुश्किलात पैदा होती हैं कि किस तरह अपनी बहनों के साथ ट्रीट कर रहे हो, किस तरह बीवी के साथ, तो सबके साथ एक ही ट्रीट करना होता है। जैसे एक को अगर गिफ्ट दे रहा हूँ मैं, बीवी को गिफ्ट नहीं दे सकता, मुश्किल है मेरे लिए, दूंगा तो सबके साथ, मतलब ये चीजें शेयर होंगी, सबको गिफ्ट मिलेंगे तब जाके। कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको दे नहीं सकते, यानी जब आप उसको दे रहे हैं तो बाकियों को भी उनकी अहमियत का अहमियत हाँ जी बताना, फिर वो बहने समझती हैं शायद मेरे साथ ये हो रही है वो, तो इस तरह ये ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन माँ का रुतबा तो वैसे ही माँ है, उनका रुतबा तो शादी करने के बाद मुझे लगता है हमें ज्यादा अहमियत होती है और बढ़ जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ हम सारे जितने भी हमारे दोस्त है बाबा उनके जहनों में है, तो आखिरी जो चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे दोस्तों को जो हमें देख भी रहे हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं उन्हें रिकमेंड करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस सवाल से? मैं यही मैसेज दूंगा कि एक इंसान को अगर परफेक्ट लाइफ गुजारनी है तो इंशाल्लाह जिस तरह आप लोग स्टडी कंप्लीट करें फौरन ही इसके बाद शादी कर ले और केयर करने वाले आपको एक और मिल जाएगा जिंदगी में। माशाल्लाह थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया रईस, आपने टाइम दिया हमें और आपकी बातों से काफी इंशाल्लाह मुस्तफीद होंगे और इंशाल्लाह हम भी आपसे जरूर टिप्स लेते रहेंगे जब फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा। जी जरूर। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी ये था हमारा रईस अब्बास के साथ पहला हमारा जो इंटरव्यू है इंटरव्यू की सीरीज में से। उम्मीद करता हूँ आप सबको भी अच्छा लगा होगा। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप रईस से पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा और हम रईस से पूछ के आपको जवाब जरूर देंगे। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं आने वाले इंटरव्यूज के अंदर अच्छे अच्छे टॉपिक्स, कोई ऐसा इंटरव्यू आप चाहते हैं कि वो टॉपिक
पे हम उसका इंटरव्यू करें तो ज़रूर हम वो करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।